चलो ना पहाड़ों पर उड़ने चलते हैं। नहीं, मैं तो शहर के ऊपर उड़ना चाहूँगी। नहीं टैटी, लोगों को नन्ही जादूगरनियाँ नहीं पसंद। चिंता मत करो, हम शहर के ऊपर उड़ेंगे, शहर में नहीं जाएंगे। मिस इफू, देखो तुम्हें ये खेत याद है? हाँ टैटी, इस खेत में बहुत मजा आया था। अरे मिस इफू, शहर को देखो कितना सुंदर लग रहा है। ओ, सर में खुजली आ रही है। खुजली खुजली खुजली। मिस इफू, मिस इफू। माफ कीजिएगा, क्या आपने मेरी बिल्ली को देखा है? वो काले रंग का है और उसकी आंखें नीली और हरे रंग की हैं। जादूगरनी, जादूगरनी, और वो भी काली बिल्ली ढूंढ रही है। मैं अच्छी जादूगरनी हूँ, आपको डराना नहीं चाहती। पक्का ये मिस इफू ही होगा। हेलो टैटी। बिल्लियों, तुम्हें क्या हुआ है? हमें शहर से निकाल दिया गया है क्योंकि वो कहते हैं काली बिल्लियाँ जादूगरनी की होती है। अंदर आ जाओ और आराम से बैठो। क्या तुमने मेरी बिल्ली को देखा? उसकी एक नीली और एक हरी आँख है। नहीं, नहीं, नहीं? अच्छा, तुम लोगों को भूख तो लगी होगी ना? हाँ बहुत लगी है, मुझे भी। और मुझे भी। हाँ मुझे भी। ट्विंकल ट्विंकल बी, बिल्लियों के लिए दूध आ जाए अभी के अभी। अरे वाह, पक्का ये मिस इफू होगा। हेलो बिल्ली, क्या तुम्हें भी शहर से निकाल दिया गया है? हाँ मुझे भी, उन्होंने मुझे भी शहर से निकाल दिया। अरे बच्चे, कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। क्या तुमने मेरी बिल्ली को देखा या नहीं? हाँ हाँ मैंने देखा। क्या, कहाँ है वो, मुझे बताओ ना। जब राजकुमार जंगल में घूम रहे थे तो उन्होंने पैर में चोट लगी बिल्ली को देखा। उन्होंने उसे अपने हाथों में उठाया और उसका इलाज करने के लिए महल ले गए। भगवान का शुक्र है कि मिस इफू ठीक है, लेकिन मैं महल में जाऊंगी कैसे? लोगों को जादूगरनियाँ बिल्कुल नहीं पसंद। अरे मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। आप अपनी पहचान रसोईया बताना और महल में दाखिल हो जाना, क्योंकि राजा खाने के शौकीन है। राजा के पास तो अच्छे रसोईये हैं। मैं जानता हूँ, जानता हूँ। हम तुम्हें आलू बना देते हैं ताकि तुम किसी की नजर में आए अंदर दाखिल हो जाओ। आलू बनके? हाँ हाँ, आलू, आलू बनके। अगर मैं आलू बनकर गई तो वो मेरी सब्जी बना देंगे। तो फिर केला बनना कैसा रहेगा? ना तो मैं आलू बनूंगी, ना केला बनूंगी और ना ही कोई और सब्जी, क्योंकि वो मुझे खा जाएंगे। फिर तुम मोची बन जाओ। जो जूते बनाता है? हाँ हाँ, जूते बनाने वाला। राजा को जूते बहुत पसंद है। अगर तुम उनके लिए जूते ले गई तो राजा खुश हो जाएंगे। ट्विंकल ट्विंकल बी, राजा के लिए हरे जूते आ जाए अभी के अभी। सुप्रभात महाराज, मैं आपके लिए सुंदर जूतों का तोहफा लाई हूँ। ओह, तुम बड़े अच्छे जूते बनाती हो, इसके लिए कितनी मोहरे लेना चाहोगी? महाराज, इसके लिए मुझे एक भी मोहर नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? महाराज, मुझे मेरी बिल्ली मिस इफू वापस चाहिए। राजकुमार जंगल से उसे इलाज के लिए ले आए हैं। तो फिर तुम्हें राजकुमार से बात करनी चाहिए। नमस्ते राजकुमार। नमस्ते जादूगरनी टैटी। आप मुझे जानते हैं? हाँ, मिस इफू ने मुझे बताया कि तुम एक अच्छी और दयालु जादूगरनी हो। टैटी, ये लो मिस इफू। बहुत बहुत धन्यवाद टैटी। मिस इफू। टैटी, मैंने बाकी बिल्लियों के बारे में भी सुना। मुझे अच्छा लगेगा अगर वो मेरे महल में आकर रहे। बहुत अच्छा विचार है। ट्विंकल ट्विंकल बी,
सभी की सभी बिल्लियाँ आ जाएं महल में अभी। धन्यवाद टैटी, मैं हमेशा से ढेर सारी बिल्लियाँ चाहता था। और इस तरह कहानी समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी।